उत्तर पश्चिमी भारत में लू का प्रकोप जारी है। इस बीच दिल्ली NCR में भी गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली में गुरुवार को ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सफदरजंग वेदशाला में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले मंगलवार को 40.8 डिग्री दर्ज हुआ था। पीतमपुरा में 43.6 और मुंगेशपुर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा नजफगढ़ में 43.7, रिज में 43.6 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग वेदशाला में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और शुक्रवार को 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 21 अप्रैल 2017 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अप्रैल में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान 29 अप्रैल 1941 को 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उत्तर पश्चिमी भारत में मार्च के अंतिम सप्ताह से सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है और मौसम विशेषज्ञ इसके लिए उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नहीं एक्टिव होने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बादल छाए रहने की वजह से दिल्ली में पिछले सप्ताह थोड़ी राहत मिली थी। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने का येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। IMD ने कहा है कि लू से प्रभावित इलाकों में कमजोर लोगों जैसे कि बच्चों, बुजुर्गों, बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मध्यम स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को गर्मी में निकलने से बचना चाहिए, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने चाहिए और कपड़े, टोपी या छाते से अपना सिर ढकना चाहिए। दिल्ली में इस साल अप्रैल में 8 दिन लू चली, जो 2010 के बाद से सबसे अधिक है। दिल्ली में शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने का अनुमान है, जिससे थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। गौरतलब है कि मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक या सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, तब लू जैसे हालात की घोषणा की जाती है। IMD के अनुसार यदि तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री से अधिक तो इसे गंभीर लू जैसी स्थिति घोषित की जाती है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के आसपास के हिस्सों में अप्रैल में अधिक तेज और लगातार लू की स्थिति देखे जाने की आशंका है। भारत में पिछले 122 वर्षों में इस साल सबसे गर्म मार्च महीना देखा गया, जिस दौरान देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। वहीं दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 22.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 16 से 38% तक रहा। दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और हीट वेव भी चलेगी। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जा सकता है और आसमान साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में 285 दर्ज हुआ। नोएडा में AQI बहुत खराब श्रेणी में 307 जबकि गुरुग्राम में 357 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।